हाय ऑल, मैं निशा, आप सबका निशा किशोर मेरी रसोई में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज अपन बनाएंगे जिंजर प्रॉन्स, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। मेरे पूरे रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपीज रहते हैं, इसको ज़रूर देखिएगा और मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन वाला बटन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू रेसिपी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक बटन दबाइए, लेकिन कुछ तो रिएक्शन देइए। तो चलिए अपन टाइम वेस्ट करे बगैर अपने को इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए और ये कैसा बनता अपन देखेंगे। अपन तीन छोटे प्याज, यानी कि ये दो बड़े प्याज हो जाते, दो बड़े प्याज, एक टमाटर, एक इंच टुकड़ा, इतना टुकड़ा अदरक का, छः से सात, ये छोटे हैं लहसुन के पोतियाँ बोलकर मैं इतने सारे ली, नहीं तो एक छः से सात बस है। तीन हरी मिर्ची, एक चमचा ज़ीरा, थोड़ा सरका, एक इंच का टुकड़ा पट्टे का, और बिल्कुल थोड़ा सरका 1/4 टीस्पून राई, और चार जो है सो की लौंग, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, और जो है सो की तीन इलायची। ये सब को अपन अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अपन एक पैन गरम कर लेकर इसमें क्या करेंगे, तेल डालेंगे। अच्छा तेल डालना है इसमें, एक दो बड़े चम्मच तेल डालना है इसमें, और तेल को अच्छा गरम कर लेना अपन। अभी देखिए अपना मसाला भी अच्छा पिस गया है, अभी अपना तेल गरम हो गया। ये तेल में क्या करेंगे, ये अपना जो मसाला है ना, ये डाल देंगे, डालकर ये मसाले को एक 10 मिनट तक अपन भुनना, धीमी आंच पर भुने जाना अपना मसाला। अपना ये मसाला जितना भुने जाता ना, उतना अपने को करी में जो है सो की टेस्ट आता। अब देखिए अपन तेल डाले तो तेल ही नहीं दिख रहा, ये तेल छूटे तक अपन भुनना अपन इसको। लेकिन अब भुनते वक्त एक बात का याद रखना, देखिए हाई फ्लेम नहीं करना, लो फ्लेम पर ही फ्राई करना इसको। अब देखिए मेरा वीडियो देखते प्लीज लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें अभी थोड़ा करिया पाक भी डाल देंगे। खरिया पाक डालने से है ना अपने प्रॉन्स में एक अच्छा फ्लेवर आता। अपन जितना इसको भूने ना, उतना अच्छा अपने प्रॉन्स में ये मसाले में फ्लेवर आता। तो धीमी आंच, लेकिन एक बात याद रखना, धीमी आंच पर ही अपन पकाना। ये अपन पकाए तक मैं क्या करी, ये है 200 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स है, इसको मैं वॉश करके क्लीन करके डीवेन कर डाली। अब ये अपना मसाला भी भुने जा रहा, और भुने जाना ये। अभी अपना मसाला जो है सो कि 10 मिनट से भुने जा रहा, और थोड़ा इसको भुनेंगे अपन। तो देखिए तेल भी छूट रहा है इसका, थोड़ा और तेल छूटना, थोड़ा और भुने जाना ये। अब इसमें से अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही, पूरे मसाला भुने गए हुए थी, और अच्छी खुशबू आए बाद से इसको अपन क्या करेंगे कि इसको अपन इसमें दूसरे चीज़ें डालेंगे। वीकडेज में है ना, मैं ज़्यादा टाइम किचन में नहीं बिताना चाहती, तो इसलिए मेरे रेसिपी झटपट वाले रहते। देखिए ये मसाला भी अच्छा भुने गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि अपने रेगुलर मसाले डालेंगे। अब इसमें अपने रेगुलर मसाले डालेंगे, वो क्या रहते हैं अपने रेगुलर मसाले, हल्दी, मिर्ची और नमक। एक चमचा मिर्ची, क्योंकि इसमें आप देखिए अपन काली मिर्ची डाले, हरी मिर्ची डाले, तो इसलिए नमक, मिर्ची ज़्यादा नहीं होना बोलकर ये डाल। हल्दी डालेंगे 1/2 स्पून, और 1 स्पून नमक डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे।
एक दो मिनट ये मसाला भुने जाने देंगे आप। दो मिनट हो गए ये भूनते हुए। इसमें अपन क्या करेंगे, ये अपन वॉश करके डीवेन करके प्रॉन्स रखे ना, ये प्रॉन्स इसमें डाल देंगे। डाल देकर इसको अच्छे से मिला लेकर इसके ऊपर अपन एक ढक्कन ढाप कर एक 10 मिनट तक पकाएंगे। अच्छे से मिला लेना, ये पूरा मसाला प्रॉन्स को लग जाना, पूरे मसाले में प्रॉन्स फैल जाना अच्छे से। अब देखिए ये हो गया ना पूरा मसाला एक जगह कर लेकर, इसको अपन क्या करेंगे ढक्कन ढाप कर पका लेंगे। ये ढक्कन ढाप लेकर इसको अपन दम के ऊपर 10 मिनट तक पकाएंगे। अभी अपने प्रॉन्स पकते हुए 10 मिनट हो गए धीमी आंच पर पकाई में, तो चलिए अपन धीमे से इसका ढक्कन निकाल कर देखेंगे कि अपने प्रॉन्स हुए कि नहीं हुए। देखिए कितने अच्छे हो गए, खुशबू तो पूछना नहीं। अगर आप यहाँ पर रहते थे तो अब भी खा लेते थे, लेकिन ज़रा क्या है थोड़ी लूज ग्रेवी है ये, थोड़ा पानी पानी। ये जो पानी है ना, मैं इसमें पानी नहीं डाली है, जो भी पानी है ना अपने प्रॉन्स में से छुटा सो पानी है ये। तो ये पानी पूरा सूखे तक अपन इसको थोड़ी नज़दीक वाली ग्रेवी, थिक ग्रेवी हुए तक इसको अपन पकाएंगे। उसके बाद में जो है सो कि अपन इसको डिश आउट कर कर सर्व करें। देखिए अपने प्रॉन्स हो गए अभी ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा ये ग्रेवी जो है सो कि थोड़ी पतली हो गई, इसमें पानी नहीं डाली है, प्रॉन्स का पानी छोटा सो है। तो ये पानी सूखे तक अपन इसको थोड़ी देर पका लेंगे, पका लेकर इसको डिश कर कर सर्व कर लेंगे अपन। चलिए अपने प्रॉन्स हो गए, इसको अपन डिश आउट कर लेंगे। देखिए मेरे पूरे प्रॉन्स पक कर रेडी हो गए। मेरे को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक प्रिपरेशन टाइम मेरे को 35 to 40 minutes हुए मेरे को, लेकिन मैं आपको 35 to 40 minutes बताकर बोर नहीं करी, जो ज़रूरी है वो इज बता दी। तो देखिए आप भी इसको बनाइएगा और मेरे को कमेंट्स में लिखकर बोलिए कि ये कैसे बने मेरे जिंजर प्रॉन्स मेरी रेसिपी फॉलो कर कर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन वाला बटन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।